बस और अपडेट होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखो इधर बन रहा है, वहाँ पे भी बन रहा है। चले इसे डराता है, गंदी बात से नहीं डराया जाता, बड़ा लंबा है यार। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड आज अपन आ गए फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। एंड हाँ, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। वैसे मैंने दो वीडियो ऑलरेडी शूट करके रखी है गांव की। मैंने उसमें बताया कि मैं बाहर जाने वाला, बट कंटाल आता है ना आजकल, कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, तो उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड करना थोड़ा वो कर दिया था। बट अब अपन जब आ गए एकदम अच्छे से, पूरा फ्री हो गए हैं। पहले गैस करो मैं कहाँ हूँ, हम लोग गैस कर लो, वो मैं बताऊँगा कहाँ हूँ, लास्ट में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि सारा वो पूरा बदल जाएगा। तो वी आर इन डैश डैश डैश। एंड अभी यार टाइम हो गया, कुछ बज रहे हैं दो, एक दो के बीच में कुछ है, डेढ़ डेढ़ बज गए होंगे। एंड उठे हुए यार टाइम हो गया, 10 बजे उठा था मैं, और अभी इस टाइम फ़िलहाल 3 घंटे से खाली फैमिली वाले से इधर बात किया हूँ, और यहाँ वहाँ थोड़ा टाइम पास किया। अब लगी भाई नाश्ते में, भूख लगी है, जाना थोड़ा नाश्ता करना। बट अभी भाई का मतलब है भाई लोग, तो उनका इंतजार कर रहा हूँ, वो भी आने वाले हैं। अभी मैं सो रहा था, अब जा रहा हूँ उनको रूम पे आने, क्योंकि यार कब से को वेट कर रहा हूँ वही चक्कर में कि अब उठेंगे अब उठेंगे अब उठेंगे अब उठेंगे अब उठेंगे, लेकिन उठ रहे नहीं है ना। तो अब चलो चलते हैं सीधा, हमको उठाते हैं उनके कमरे में, बाजू में कमरा है इधर, तक वो नहीं है, तो चलो चलते हैं। और तुम लोग ये सीन देखो, जहाँ मेरा होटल है इस टाइम, जहाँ मेरा रूम है। ये क्या दिखा दिया, वहीं देखो। सो देखें, अब चलो चलते हैं अंदर रूम में, फिर मिलते हैं, ज़्यादा नहीं सामने रूम। और हाँ, वीडियो कट टू कट होगी, कोई भी बैकग्राउंड साउंड यूज़ होगा, जितना है अपने मुंह से सारा फेस टू फेस बताऊंगा। एंड बहुत कुछ है वीडियो में, चलो देखो। आई होप तुम लोगों को इन्जॉयमेंट होगी यार, क्योंकि देखो मैं भी शो के उठा हूँ, तो थोड़ा मेरा मुंह थोड़ा सूझा उजा लग रहा होगा ना। तो चलो अब चलते रूम पर, उठाते हैं उनको फिर। ओके, ज़्यादा दूर नहीं आना है मेरे को भाई, बस इधर ही आना है। देखो रूम नंबर 415 में। यही है ना भाई अपना भाई रूम। गुड मॉर्निंग बिरादर, कैसे होते तुम? चलो और कर भाई। ए भैया कब से इंतजार कर, अपने आ गए अपने दूसरे रूम पे, अपने भाई के रूम पे आ गए। एंड अभी यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट हो गया है वैसे, और काफ़ी मज़ा आने वाला। मतलब इधर से पहले फ्रेश हो गया, कब से इंतजार कर रहा है, उसको ड्यूटी पे भी आना है, 3 बजे ड्यूटी पे आना है, तो पहले फ्रेश हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फालतू मेरे को वीडियो लंबी नहीं करना, मेरी मेन चीज़ ये है कि मेरे को वीडियो लंबी नहीं करना है। यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी तो मेरा पूरा एक कॉन्सेंट्रेट ख़राब हो जाता है, फिर कोई मेरी वीडियो ज़्यादा देखता नहीं है, मेरी वीडियो कोई पसंद नहीं करता। तो मेरे को वीडियो कोई लंबी ज़्यादा नहीं करना है, मैक्सिमम 10 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं। चलो जाता हूँ, मेरे फ्रेश हो जाए फिर जाऊँगा नीचे, ठीक है? चलो ओके। अब रूम से निकल गया यार नाश्ता करने के लिए कुछ, और नाश्ता खाना खाने के टाइम लोग नाश्ता हो रहा, मतलब हम लोग खाना खाने के टाइम नाश्ता हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी कल से काफ़ी थके हैं, क्योंकि हम लोग गए थे कल दुबई मॉल, और कहाँ गए थे, देहरा, और एक और जगह कहीं गए थे फोटो शूट के लिए, फ्यूचर म्यूजियम गए थे। तो मतलब पूरा ऐसे करके कल ये मेट्रो, इधर की मेट्रो में मेरे को भाई इतना तो फर्क दिखा नहीं, मेट्रो और बस, खाली इसमें क्या यूज़ होता है, कार्ड। और मेट्रो थी मेरे को तो मुंबई की लोकल जैसा लग रही थी, बट यहाँ का ऐसा है कि किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें धक्का लगता है तो गुस्सा हो जाता है, बुरा मान जाता है यहाँ की ये सीन। अब मुंबई में पता है ना, कुरला उरला में टपली पर टपली ऐसी सीन है पूरी। यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा है जो देखने में बहुत यूनिक लगता है, बट ज़्यादातर मुझे लगता है कि हाँ मुंबई। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मतलब कि क्या बोल रहा था यार, कुछ भी बोल रहा हूँ थोड़ा। हाँ मुंबई जैसा पूरा काफ़ी कुछ इधर, मुंबई जैसा पूरा सेम है, कुछ वही नहीं है यार। आए अभी जब तक मेरी ड्यूटी नहीं, मतलब मेरी ड्यूटी का कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, कब है कब नहीं है, जब तक मैं पूरा इन्जॉय कर रहा। अभी इनको निकलना 3 बजे निकलना, 2 घंटे में 1 घंटे में से कुछ इनको निकलना है, तो वही है यार। आज से ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया, अभी तुम लोगों का मैं अगले ब्लॉग में पूरा होम टूर कराऊंगा, और जो बची मेरे पास वीडियो जो बची भी रखी हुई है उसको भी मैं
अपलोड करने ट्राई करूँगा और जितना फ्री हो सकूँ उतने हिसाब से वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि अगर मेरे को जॉब लग गई मतलब मेरी जो ड्यूटी है वो पूरी कंप्लीट होगा फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी। चलो फिर अभी थोड़ा करके दादा पहले पूरा ले लूँ, नई जगह तो थोड़ा यहाँ कैमरा वैमरा अलाउड नहीं है। ओके अब हम लोगों ने चाय ले ली, चाय के साथ क्या है मतलब इसमें क्या लिया हम लोगों ने, इसका कुछ नाम बताया था ब्रेड कुछ करके नाम बताया था इसमें मायोनीज एंड ये वेज है नॉन वेज नहीं है ये है इसमें कुछ है सब मायोनीज और पत्ता गोभी एंड दैट ऑल है एक चाय है। लगी थी भूख इसके वजह से मैंने बोला भाई थोड़ा ले लो क्योंकि कल वड़ा पाव खाया था, वड़ा पाव बोलते ना सर रबड़ जैसा रहता है पूरा रबड़ ऐसा तो रबड़ जैसा वड़ा पाव था एंड अभी भी कुछ धीरे धीरे करके नवी नवी चीज़ है ना आए नवी नवी चीज़ को पूरा वो करके कर रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे पूरा जज कर रहा हूँ क्या अच्छा रहना चाहिए क्या नहीं। एंड कल भाई का बर्थडे था, साधारण मैं सबसे पहले हैप्पी बर्थडे क्योंकि रात में तो हम लोग 4 बजे तक भाई पार्टी किए पिज़्ज़ा पार्टी किए एंड चलो उसको टेस्ट करके पूरा बता दो कैसे उसमें क्या कहाँ यार ऑयल बहुत है हेल्थी फूड नहीं है यार इसीलिए तो नहीं खाते हम लोग ऐसे करने के लिए ले लिया ये चलो नाश्ता करके तुम्हें बोलता क्योंकि ड्यूटी पे भी आना है ना तो जितनी जल्दी हो सकती है सब कुछ करके हम लोग आना आवाज़ थोड़ी स्लो आ गई क्योंकि मैंने माइक पर कुछ भी नहीं लिखा है सब इंडिया में छोड़ दिया। तो देखो अब टाइम हो रहा है कुछ 5:35 हो रहा है एंड अभी इस टाइम थोड़ा मैं निकल गया थोड़ा घूमने के लिए क्योंकि अभी मेरी तो ड्यूटी लगी नहीं है मेरा कुछ भी इन्फॉर्मेशन या कुछ अपडेट नहीं आया बट साधारण भाई की एंड अपने विशाल भाई की तो आज हॉलीडे थी इनकी ड्यूटी थी वो अपनी ड्यूटी करके बट साधारण भाई की आज हॉलीडे थी तो आज इतना टाइम हॉलीडे था तो आज हम लोग थोड़ा निकल गए घूमने के लिए विला कुछ प्लान है कुछ विला का विला क्या विला लूना तो ऐसी कुछ का प्लान है हम लोग का तो हम लोग ऐसे कुछ प्लान है कि चलो घूम के आए आज का आउटफिट पूरा एंड आमिर भाई पूरा बिजी पूरा माहौल उनका अलग है बोले अभी भी तुम कैसी होती तुम ठीक खाना पानी हो गई क्या हाल भाई। सो अभी चल रहा है विला एंड उधर पे सब बताते हैं कैसा एंड इधर काफ़ी सारी जगह जो है कि मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड अलाउड है अमन बता दो चलो आगे चल के बताते मेरे को वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि मैं सुबह से स्टार्ट किया मैं पूरे 1 डे का पूरा करके रखा हूँ 1 वीक में 1 ब्लॉग पहले जो स्टार्टिंग से ब्लॉग अगर देखा होगा तो कमेंट करके बताओ मैं कौन सी साइड पे हूँ ठीक है चलो मिलता हूँ आगे तुम लोग को पहुँच के तो मिलता हूँ। सो भाई यहाँ पे है ना कुछ सीन ही एकदम अलग है यहाँ पे अपने को कहीं पार करना रोड तो वहाँ पे अपने को वो रहती है इधर गाड़ी का पड़ जाएगा एंड इधर पर जब रेड लाइट पड़ गई तो समझो सब खत्म उनको देखो यहाँ पे इससे बटन से जो भी काम होता है बटन से होता सारा कुछ इसमें था ना सब बटन से होता है एंड इधर पे अभी हमें इधर मतलब जो साइड पे मैं आ गया हूँ वहाँ पे अपडेट तो है ही बस और अपडेट होते चले जा रहे हैं यहाँ पे देखो इधर बन रहा है वहाँ पे भी बन रहा है मैं हूँ काफ़ी अलग हूँ अभी इस टाइम एंड यार इधर पे काफ़ी बहुत सारे रूल रेगुलेशन सब कुछ बहुत फॉलो करना पड़ता और यहाँ पे जो अपने साइड पे जो हम लोग गाड़ी के लिए सोचते हैं ना भाई यहाँ पे डिलीवरी चलती है उसकी गाड़ी डिलीवरी बॉय के लिए रहती है हाँ यहाँ पे टेस्ला वगैरह तो टैक्सी में तो ऐसी है ही है तो अभी फिलहाल हम लोग देखो यहाँ पे यार विशाल भाई हाँ भाई बोलो इधर टेस्ला का भी टैक्सी बना देता है आदमी लोग बहुत रिस्की है यहाँ पे पूरा रिस्की तो है ही है ब्रो बट एक वाइब ही अलग है यहाँ की फुल सुकून शांति एंड साधन भाई पत्थर पूरे चुराते हुए 4 पीस रख लिए ना जेब में उसको इंडिया पहुँचा देना अब एक कैरिंग में डाल देना उधर रखे हो घर बना लेना हाँ
चलो देखो एक टेस्ला जा ही रही है अभी भी, तो चलो चलते आगे एंड बता। ओके फाइनली वी आर इन विला, ये है विला नॉट अ विला, विशाल भाई कंफ्यूज कर देते वी और बी में, तो अपन आ गया फाइनली विला। एंड विला की पूरा मतलब एकदम अलग ही है यार ब्रदर की भाई। एंड इधर से और भी है, अभी तुमको बहुत सारी कुछ चीज़ है, यूनिक चीज़ दिखाना है मेरे को। विशाल भाई आओ, विशाल भाई भी एक यूट्यूबर रह चुके हैं, तो बताओ अपनी यूट्यूब की कुछ कहानियाँ। यूट्यूब की कहानी क्या बताना है यार भाई, पहले स्टार्ट किया बाद में मोनेटाइजिंग नहीं हुआ, बाद में खाली और मोनेटाइजेशन क्यों नहीं हुआ? ये कौन से तुमने कौन से रैपर का बोला? बीटेन करके कोई नेपाल ना, बीटीएन, फिर बीटीएन करके कोई रैपर था अब फेमस नेपाल में, तो उनका सॉन्ग उठा के डाल दिया था, तो 10 मिलियन है ना, 1 मिलियन क्रॉस करती थी, बट उनका चैनल अब जानते हैं कि अगर करूँगा तो चैनल मोनेटाइज होगा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं, अगर डिक्रीज हो जाएगा ना वो। इंडिया में एक यूट्यूबर है इंडियन, जय गजरानी मेरे को वैसे एक है कि कोई भी रैपर रिएक्शन वीडियो करता है, वो इंडियन रैपर का भी रिएक्शन वीडियो बनाता है, नेपाल रैपर का भी रिएक्शन। मुझे पहली बात कोई भी ये रैपर कोई भी सिंगर किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ सैड सॉन्ग की बात भी तो अरिजीत सिंह की ही सॉन्ग सुन लूँगा मैं, तुम माफ़ी मांगा, चलो अभी अंदर ही आगे थोड़ा कंपनी। हम लोग मतलब विला के अंदर पूरा एंट्री कर दिए, उधर थोड़ा सिक्योरिटी गार्ड था उसकी वजह से। देन इधर पे अब तुम लोग को एक से एक, अब इधर पे एक से एक काफ़ी सारी कुछ सीन्स कुछ इतना अमेजिंग। एंड जो सुकून बन के शांति है ना मेरे भाई, तुम उससे समझो सुकून तो काफ़ी है साधन भाई, इधर पे एकदम शांति सब है, बोलो अशांति अनशांति सब कुछ होती है इधर पे। लगाइए ना या, आप तो रैपर, या शांति भी मिलता है इधर, वैशाली भी मिलता है, वैशाली व्हाट इज मीन बाय वैशाली, वैशाली मीनिंग क्या वो होता है ना, वो लंगड़े आदमी इधर चैपिए ऐसे, इसको वैशाली बोलता है ना। मैं लड़की का बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं लड़की तुम्हें बोला तो मैं ऐसे से करके दिखाया ना। ठीक है, ये देखो पूरा नाच के दिखाओ ना साहब, आपका क्या नाम है, आप यूट्यूबर हैं? तो तुम मेरी मिमिक्री करोगे, इतने बड़े हो गए मुझसे, इतने बड़े हो गए हो, बड़े हो उम्र में मानता हूँ, लेकिन तुम मेरी मिमिक्री करोगे हैं? अबे वो देख एरोप्लेन उल्टा उड़ रहा है जी देखो, नहीं वो क्या हुआ है कि पेट्रोल खत्म हुआ है, पेट्रोल डलवाने नीचे आ रहा है बाद में, वो हमारे ससुर जी हैं जो पेट्रोल डलाने के टाइम पे आ रहा है। और यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना, इधर खाली ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही सही रोड पार करना, अगर तुम वो करो तो मामूल तुम्हारा चालान काट देंगे, याद रखना मुंबई अपना मुंबई अलग सीन नहीं है, इधर मामू लोग नहीं होता, इधर सुरता वाले होता है, सुरता वाले होता है बट हम लोग की लैंग्वेज में वो मामू है। साधन भाई 300 मीटर चलो, अब इधर से 300 मीटर है पूरा, हाँ सपने में पूरा जाना है आगे, ये पूरा मतलब एक रिच हुआ है ना, उधर दिवाली लग चुका है, उधर दिवाली, इधर दिवाली की तैयारी हो रही है ना, देखो वो देखो सामने, नहीं झूठ बता रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा तब भी बता रहा है, मैं बोला दिवाली जैसी डेकोरेशन हर जगह हो रही है क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा है, मैंने ये बोला यहाँ पे ना विशाल हमेशा दिवाली रहे लोग, तो यार मेरी एकदम लेते चले जा रहे, गलत बात है यार, ब्लॉग में तोड़ लो, हम तो कह रहे हैं तुम तोड़ लो ना ब्लॉग में, फिर फाइन देना पड़ेगा इधर जैसे जाएगा इंडिया का कितना बाइक अभी अभी देखो ये है, ये जगह पे हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग पार करना सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही से पार करना है, हम लोग और नहीं। और तुम लोग को जो मैंने मशीन दिखाई थी अभी, वो मशीन से अगर हैं खड़ा तो वो मशीन को प्रेस करो तब वो होगा, ठीक है? ओके अभी जरा सुकून बड़ी शांति में भाई करे, कोई इंस्टा पे लाइव आ रहा है और मैं तो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, एंड भाई वहाँ का टिकटॉक नहीं है वो वाला नाम ना लो, गलत बात तो रोस्ट हो जाएगा कोई तो कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई फोटो शूट कर रहा है, कोई मोबाइल विजिट कर, हाँ बहुत अच्छे हो ना तुम, तो यहाँ पे अभी थोड़ा कुछ है तो अभी देखो वो लाइव है, वो सबको बता रहे हैं कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन अपना टाइम भूल गए, कॉपीराइट लेके कॉपीराइट ले ना, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा है ना भाई इधर, मतलब बहुत कुछ है तो ध्यान देना और ज़्यादा अच्छे से देना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पे
सामने एक है वीडियो है उस सिटी के मॉल, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह होती है, वहाँ का जाने का प्लान बना है। इधर का सब कुछ देखो तुम, गोल गोल। सो अब हम लोग का है भाई शॉपिंग मॉल के अंदर एंट्री मारने का, तो अंदर देखें कैसा क्या है। अगर इनकी बात झूठ निकली ये देखो पूरा उधर के। अच्छा मतलब तुम पहले घूमे ऑलरेडी, तुमको पूरा सकता है। तो तुम बहुत घूमी हुई चीज निकले यार, अच्छा है इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ ना। बाजू में ज्यादा दूर भी नहीं, टाइम पास करना हो ऐसे कुछ करना हो तो आराम से टहलते टहलते, खाना खाने के बाद टहलते टहलते आ जाओ, है ना। वो भी हाँ, वो चलो हम लोग है ना अभी अंदर मॉल में है। विशाल भाई तुम कहाँ गए? यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना, ज़्यादा कुछ लाउड वाउड कुछ नहीं करना। नहीं नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं, नहीं भाई अभी कोई आएगा बोलेगा एक्सक्यूज मी सर कैमरे रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड, नहीं बोलेगा ऐसा कुछ नहीं ना, तो ऐसा वो नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अपना इससे सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए रिकॉर्डिंग बंद करके चलना पड़ेगा, बहुत महंगा है यहाँ पे। खाली देख रहे डिसाइड हो रहा है खाना क्या नहीं खाना, और फिर बोलेंगे के पी इज द बेस्ट वन। वो उधर जाके वीडियो वही से भाई लोग चल रहे। दिस इज माय बचपन का लंगोटी है यार, मामू है पागल। तो भी क्या हुआ वो तो साथ ही के भाई ने स्टार्ट कर दिया। सो अब हम लोग को मिल गया एक हेलीकॉप्टर, तो कैसा मिला हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर रास्ते में था, लैंडिंग हो रहा था, मैं क्रैश लैंडिंग चले। इसे डराता है गंदी बात, इसे नहीं डराया जाता। बड़ा लंबा है यार ये भी बड़ा लंबा था। चलिए ठीक अभी तो करेंगे। तो इनको हेलीकॉप्टर मिल गया एंड अभी इधर घूमते घूमते हो गए शाम में, इधर जल्दी हो जाता है ना, दो घंटा आगे पीछे का टाइम है तक का, तो इधर इन्जॉयमेंट तो हो ही है भाई। और साथ भाई हाँ हाँ कर दिया, ये तो सबसे बड़े मतलब एक है जाने माने। फोकस फोकस यो मेरा किस चीज़ में कॉल आ रहा है वो पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ टाइम स्पेंड करके कैसे लगता है? अच्छा लगता है यार भाई, खुद की तारीफ सुनना कुछ अलग ही बात है। हैं वैसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए दूँ, विशाल भाई नेपाल के हैं, हम लोग तीन जन, दो जन यूपी के एंड मैं बॉम्बे का, मतलब है सब साथ ही में लेकिन गांव में स्टे करता था, तो उसके से ऐसी सीन है ठीक है ना। आवाज़ क्लियर आ रही होगी लेकिन मैं इधर माइक यूज़ नहीं करना चाहता, तुमको एक पहली बात बता दिया हूँ मैं। चलो अभी आगे दिखाता हूँ क्योंकि एक ही सीन ऑलरेडी हेलीकॉप्टर है हमारे पास, रिच किड है हम लोग, रिच किड है हम लोग, इधर पे हैं विला में तो हम रिच किड, यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाएगी देखो टाइटेनियम। चलो घूम रहे हैं इधर ओके। अब हम लोग यहाँ पे सामने एक वीडियो है उस सिटी के मॉल, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह होती है, वहाँ का जाने का प्लान बना है, इधर का सब कुछ देखो तुम, गोल गोल। सो अब हम लोग का है भाई शॉपिंग मॉल के अंदर एंट्री मारने का, तो अंदर देखें कैसा क्या है। अगर इनकी बात झूठ निकली ये देखो पूरा उधर के। अच्छा मतलब तुम पहले घूमे ऑलरेडी, तुमको पूरा सकता है। तो तुम बहुत घूमी हुई चीज निकले यार, अच्छा है इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ ना। बाजू में ज़्यादा दूर भी नहीं, इसे टाइम पास करना हो ऐसे कुछ करना हो तो आराम से टहलते टहलते, खाना खाने के बाद टहलते टहलते आ जाओ, है ना। वो भी हाँ करी तो चलो ओके। हम लोग है ना अभी अंदर मॉल में है। विशाल भाई तुम कहाँ गए? यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना, ज़्यादा कुछ लाउड वाउड कुछ नहीं करना। नहीं नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं भाई, अभी कोई आएगा बोलेगा एक्सक्यूज मी सर कैमरे रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड, नहीं बोलेगा ऐसा कुछ नहीं ना, तो ऐसा वो नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अपना इससे सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए रिकॉर्डिंग बंद करके चलना पड़ेगा, बहुत महंगा है यार। बेइज्जती है, बेइज्जत हूँ। फिर भी ना चलो आपकी बात मान लेते हैं।